हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्विकली एनालाइज कर लेते हैं टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड को। तो स्टॉक का प्राइस 1600 के अराउंड चल रहा है और आज के सेशन में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7% का अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और क्विकली चार्ट देख लेते हैं स्टॉक का। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बेहतर एनालिसिस के लिए। चार्ट में आप देख रहे होंगे कि एक पैटर्न बन रहा था पहले से और वो पैटर्न इसका कंप्लीट हुआ। ये वाला पैटर्न दिख रहा है इसमें, ये पैटर्न जैसे ही कंप्लीट हुआ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और यहाँ से जैसे ही स्टॉक निकला तो ये लेवल था इसका 1200 के अराउंड का। यहाँ से जैसे ही स्टॉक निकला तो इसने ऑलमोस्ट 1674 का हाई भी बनाया। उसके बाद स्टॉक ने एक थोड़ा कंसोलिडेशन किया और स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला। एक रिवर्सल देखा, वो एक थोड़ा करेक्शन था। स्टॉक ने बेस बनाया, बेस बना के स्टॉक ने फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम लिया और आज के सेशन में स्टॉक ने एक ऊपर मोमेंटम देखने को मिला है अच्छा खासा। अभी अगर ये मोमेंटम सस्टेन कर जाता है तो आप देखोगे ये हाई भी ब्रेक करेगा अपना प्रीवियस हाई और फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 1700 के ऊपर के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, 1710-1720 के अराउंड के। उसके टारगेट्स फर्दर अपन डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आता है तो फिर आप पाओगे कि अभी के लिए तो स्टॉक अगर नीचे आता है तो आपको स्टॉक में 1540 के अराउंड एक सपोर्ट जोन क्रिएट होगा, वो इसका सपोर्ट रहेगा। अगर वहाँ स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाता है तब स्टॉक आपको नीचे के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो इस स्टॉक में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टॉक सडनली राइज कर रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा, बिकॉज अगर सडनली राइज भी होता है तो सडनली फॉल भी आ सकता है। ऐसा दीपक नाइट्रेट में भी आप देख रहे होगे तो ऐसी ही कहानी चल रही है। दीपक नाइट्रेट में सडन स्पाइक हुए, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक बेस बनाया और फिर सडनली अब दीपक नाइट्रेट गिर रहा है। उसका वीडियो भी मैं जल्दी कवर करूँगा। तो दीपक नाइट्रेट आप देखोगे तो हर दिन कुछ ना कुछ 2-3% का ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे उनके काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो रखे हैं आज की डेट में। तो यही मैं आपसे कहूँगा टाटा कम्युनिकेशन में कि इसमें स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर रखिएगा, बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी एक बड़ा लॉस झेलने को मिल सकता है। बिकॉज आप स्टॉक के प्रीवियस कैंडल्स में आप देखोगे तो ये स्टॉक सडनली भागता है और सडनली ही नीचे गिरेगा। आप प्रीवियसली ये देखिए, ये वाला मोमेंटम पकड़िए, सडन स्पाइक आया, फिर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, फिर सडन स्पाइक था। पीछे भी आप देखोगे तो स्पाइक के बाद ड्रॉप डाउन, स्पाइक के बाद ड्रॉप डाउन। तो ऐसे मोमेंटम बनाता है टाटा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं अपने चार्ट में। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। एज सच अगर ऊपर भाग रहा है स्टॉक तो स्टॉक को पीछे नहीं भागना है, उसको होल्ड करके रखना है कहीं ना कहीं। जब वो सेटल हो जाए तब बाय करिएगा। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ़।